मनोज जी, हमारा सवाल ये है कि आपका अभी नया नया गठबंधन हुआ है ओवैसी साहब के साथ, लेकिन यहाँ पे जो झंडा है वो बसपा का दिख रहा है, रालोसपा का दिख रहा है, तो यहाँ पे ओवैसी साहब कहाँ? ओवैसी साहब का भी झंडा है, लेकिन ओवैसी साहब को निजी कारणों से अभी नहीं है, लेकिन हम लोगों के साथ है। हम बता दें आपको कि बिहार में ओवैसी जी का जो योगदान है अभी भूला नहीं जा सकता है, और यह जो मामला है भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से कुचक्र किया है, इस देश में जो नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से कोरोना काल में राम मंदिर मुद्दा को अपने से जाकर के करने का काम किया, जहां राष्ट्रपति तक को नहीं ले जाने का काम किया गया है, हिंदू मुस्लिम का जो लड़ाई लगाया है उसका हिंदू मुस्लिम भाई भाई हम लोगों के उपेंद्र कुशवाहा, अबहन कुमारी मायावती, पहले से माननीय काशीराम साहब ने मुसलमान का जो आबादी है जिस हिसाब से उसको मिलना चाहिए अधिकार, हमारे गठबंधन देने का काम कर रहा है, और निश्चित रूप से बहन जी ने ये निर्णय लिया है, ये बिहार में आजमाएंगे, और 2022 में जो उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा वहाँ भी ओवैसी साहब हमारे बहन जी का मजबूत करेंगे हाथ। इसलिए हमारा जो फ्रंट है ये देश भर में फ्रंट चलेगा, कुशवाहा जी का जो पार्टी रालोसपा है देश भर में बहन जी के साथ हम लोगों का गठबंधन होगा, और हम लोग गठबंधन धर्म में निश्चित रूप से बिहार में तीसरा फ्रंट बनाएंगे। आई 15-15 साल जो MY समीकरण भी बना करके जिस प्रकार से जो तांडव कराने का काम किया है, तो हमारे के यहाँ जो बहन कुमारी मायावती जो प्रतिनिधित्व 85% बहुजनों का करती है, जो रालोसपा जो है कुशवाहा जी का जो मुख्यमंत्री घोषणा है उसमें ओवैसी साहब का स्थान होगा, बिना ओवैसी साहब का, बिना बहन कुमारी मायावती का, उपेंद्र कुशवाहा का, बिहार में निश्चित रूप से हम समझते हैं कि ओवैसी साहब हमारे भूमिका में है और उपेंद्र कुशवाहा हमारे बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे। इसलिए ओवैसी साहब को हम लोग छोड़ कहां सकते हैं, उनका एक भूमिका है, जो लोकसभा में ओवैसी साहब जो बात बोलते हैं वो अब हर जगह चर्चा का विषय है, और हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि दलित और मुस्लिम जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो दलितों के साथ हैं, और दलित जो है बिहार में उपेंद्र कुशवाहा के साथ है।